निर्धारित समय से ये नहीं है कि मैं सोमवार से लेकर शनिवार तक हमेशा एक बजे मीटिंग करूंगा, इसकी अनुमति मैं जहाँ तक समझता हूँ सब निर्धारित है जनरल इलेक्शन में मीटिंग कभी तो मीटिंग की अनुमति होती है, तो उसके टाइम फिक्स होते हैं आज फिक्स होते हैं इस तरह से नहीं कर पाएंगे। नियमित विद्यार्थी और जो भी तो नियमित विद्यार्थी होगा वो अपना डेली एडमिट कर सर वो जगह जगह से प्रोवाइड करी जाएगी। बिल्कुल आपको आप कैंप एक 8 दिन का कैंप निर्धारित करेंगे या रोज रोज आपसे परमिशन लेंगे हम? आपको रैली और जो आम सभा करनी है उसके लिए आपको 24 घंटे पहले हमारे से परमिशन लेना। नहीं रैली की तो सर परमिशन ले लेंगे हम आपसे एक बार, लेकिन जहाँ कैंपस में बैठने का आपने बोल दिया कि आचार संहिता है कैंपस के अंदर, आप 20 जने एक प्रकार की बातों में देखो। एक तो उम्मीदवारों की उम्मीदवारी तय होने के बाद हम उम्मीदवार व सूचना पत्र निर्धारित रिपोर्ट लेटर और उसको हम लोग देंगे। हम इस प्रकार से कोई अनवर्त रूप से स्टूडेंट का कोई ऑफिस खरीदा या नहीं मिलेगा, जैसे कि पार्ट टाइम की बात कर रहे हैं वैसे स्टूडेंट का ऑफिस चुनाव निकालने के लिए करते हैं वैसा कोई प्रधानमंत्री आपने कहा कि नियमित विद्यार्थी वहाँ पर इंटरव्यू करेंगे। अब एक बार जिंदो कमेटी की जो मुख्य मुख्य आचार संहिता की जो बातें हैं वो हम रिपीट कराए मूल्य रचा माने लिखित आपको देखते हैं चुनाव रोक दिया गया था क्योंकि कई बार रोइलेशन की जो रिकॉर्डिंग है वो बाद में उपयुक्त प्लेटफॉर्म हैंडमेड इसमें फ्लैक्स बैनर या प्रिंटिंग मटेरियल बिल्कुल ही अवैध है।